अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। माशाल्लाह, मेरी बेटी का मैंने आपको बताया था कि एडमिशन में तो शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी, काफ़ी टाइम लगा, पूरा एक माह लगा है मान के जो है ना वो एडमिशन होने में, और फाइनली एडमिशन हो गया था। तो अब जो है ना आज ईमान रेडी है। ईमान इधर देखो, ईमान जो है ना आज रेडी हो गई है। ईमान किधर जा रही हो? स्कूल। आपके स्कूल का नाम क्या है? इधर तो देखो क्या हुआ, भूल गई? सेबोन स्कूल। ईमान जा रही है सेबोन स्कूल। तो हैप्पी हो? नहीं। सच बोल दिए हैं, ईमान हैप्पी नहीं है। चलो कोई नहीं, हैप्पी हो जाओगी जब तुम स्कूल जाओगी ना, अपना क्लासरूम देखोगी, अपनी जो है ना चेयर टेबल, तो फिर आप हैप्पी हो जाओगी। ये देखो बैग भी इतना हल्का है। अगर तुम पाकिस्तान स्कूल जा रही होती ना तो तुमसे उठाया भी नहीं जाना था, मैंने रिक्शे तक छोड़ के आना था आपका बैग। हाँ जी, इतने हैवी बैग है। किधर? सरगोधा में बहुत मज़ा आता, इसको सरगोधा नहीं भूलता भाई। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ सारी बात है, हमारी प्यारी जगह है, हमें याद तो आनी है ना ये माँ सर के जाए। चल कोई बात नहीं, सरगोधा भी जाएंगे इंशाल्लाह। स्कूल तो इधर जाना ना, अब इधर जो आ गए इधर मूव हो गए हैं, है ना। कोई नहीं इंशाल्लाह सरगोधा जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। हाँ पूरी करो। जी ईमान कर रही है भाई अपनी पेंसिलें, रेजर, शार्पनर पूरे रेडी हो रही है स्कूल के लिए। जल्दी निकालो माई पेंसिल, इसलिए एक पेंसिल लो, एक रेजर लो, और ले डाली क्या कुछ डाला दिखाओ जरा। टू पेंसिल, वन सॉप, एंड ये वो रेजर। मम्मा टू सॉप चाहिए, देखो ये दो हैं। नहीं पेंसिल एक ही काफी है, एक निकाल दो, एक निकाल दो। एक घूमेगी तो फिर दूसरी को यूज कर सकते हैं। मन रेड वाली नहीं? अच्छा चलो ठीक है, दोनों रख लो, चलो बैग में डालो। पापा जी, यूसुफ पापा किधर जा रही? मम्मा जी क्या? अच्छा आपा किधर जा रही बता मुझे आज। मैं भी जाऊंगा। आपा के स्कूल का नाम क्या है? मुझे भी मुझे दो। अच्छा दूंगी, आपा के स्कूल का नाम बताओ पहले। बेक है क्या? सोच नहीं, सेबोन। सेबोन यूसुफ, यूसुफ के स्कूल का नाम भी तो सेबोन है ना। हाँ, अभी अभी मान आपा तैयार हो रही है, फिर यूसुफ ने जाना है। चलो भाई चीजें रख लो जल्दी जल्दी। चलो मुझे दो, मुझे दो। तुझे क्या दूं? चलो ये दो। क्या दूं? ये क्या होती है? इसको कहते क्या है? कहते मैंने भी रेडी होना है। मैम्मी 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 नहीं, आप नहीं, जी जी नहीं है। चलो मान हो गया। आर यू रेडी? ओके लो जी, हुण असीं आ गए नीचे, बस उस्मान साहब का वेट कर रहे हैं, ते ईमान रेडी है स्कूल जाने लिए, बिल्कुल तैयार है। ईमान रुको बाबा को आने दो, मान कह रही है भी बाबा भी चलें। ते बाकी बैग शैग अस पाकिस्तान से ले आए सा। ईमान रुको ना बेटी, वापिस आओ वापिस। और दूसरा बैग ही जाके एक पानी की बोतल, एक पेंसिल, रेजर, शॉप, बुक्स वगैरह इतनी कोई नहीं होनी है, सिर्फ एक नोटबुक देंगे। वर्क भी कोई नहीं मिल रहा, वर्क भी वीकेंड से मिलना है। ईमान सुबह ना बहुत परेशान सी, बहुत ज़्यादा, बहुत रो रही सी, पूरे दिन कह रही सी कि मम्मा आप फुल डे मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा मैं छोड़ने आऊँगी आपको, लेकिन फुल डे नहीं साथ रह सकती। कहती नहीं आपने मेरे साथ फुल डे रहना है। तो जो है ना
फिर बड़ा मुश्किल से एग्री किया मैंने, कहा मेरा बच्चा तूने स्कूल तो अब जाना है ना, तो पाकिस्तान तो ऐसे मैं आपको एक दिन भी कभी छोड़ने गई, फर्स्ट डे भी नहीं छोड़ने गई, यहाँ तो फिर मैं तुम्हें लेने भी आया करूँगी, छोड़ने भी जाया करूँगी। तो कहती है वहाँ मेरे साथ आयशा तो होती थी ना, तो कज़न आयशा, और आयशा होती थी, मुझे मसला नहीं होता था, मैंने कहा इधर भी कुछ नहीं होता। फिर बड़ी मम्मा ने कहा जब तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं टीचर को बोल दूँगी कि वो मायमा को दूसरी क्लास से बुला लिया करेगी। फिर मायमा भी कहती जल्दी तो क्यों रो रही है इतना, वहाँ तो कुछ भी नहीं होना और है भी फन वीक है ये, क्योंकि आगे इनका ईस्टर है तो छुट्टियाँ हो जानी है। चलो भाई चलो, छुट्टियाँ हो जाएंगी तो इसलिए ये जो तुमने 3 दिन जाना है ना, इसमें भी सिर्फ उन्होंने फ़न करना है। ईमान यूनिकॉर्न पकड़े, कहती मामा यूनिकॉर्न आप आते हो आपसे ले आना, अभी मैंने साथ लेके जाना। तो मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा मज़े के। लो जी माँ की रूटीन भी शुरू हो गई है स्कूल वाली। इस टाइम जेड़ा ना साढ़े हल्ते हो रहे हैं कोई 10-9 बजे स्कूल की टाइमिंग है, लेकिन उन्होंने मेल की सी कि 9 बजे ले आना, लेकिन फिर उन्होंने कॉल की थी कि तुम 10 बजे ले आना, क्योंकि बच्ची ने जोड़ा ना क्लास चले जाएंगे इंट्रोड्यूस वगैरह, इस वास्ते तुम थोड़ा ना 10 बजे ले के आना। सो 10 बजे बज गए ने, तो हूँ अभी 10 बजे बल्कि 5 मिनट रह गए तो असी निकल आए हैं, पहुँचद्या तक 10 भी हो जाएंगे, जिन्नी की मस्ती ना असी जा रहे हैं। दूसरा फिर 3:30 छुट्टी है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम है। लंच वगैरह स्कूल वाले ही दे देंगे ने बच्चों फ्री, कहते चिकन दस रही सी, कभी पास्ता माए माए दस रही सी, चिकन होता है पास्ता होता है डिफरेंट डिफरेंट मूली गाजर खीरा शीरा सारा कुछ, बहुत अच्छा जड़ा ना सिस्टम है। बंदा करे कि जो इतने बंदा इतना कुछ सहूलियात देखता है, बंदा कहता है कि पाकिस्तान भी सब असी इतनी सहूलियात होनी चाहिए ने। चलो अल्लाह करे साढ़े सियासतों भी थोड़ा अपने तो फुर्सत मिले तो आवाम के बारे सोचन। लो जी स्कूल आ गए, 7 प्राइमरी स्कूल 6 तक है स्कूल। ईमान ये आपका है, वो वाला मायमा लोगों का है, लेकिन अभी आपको ना ये वाला हिस्सा आपका है, इधर वो जाते हो जब यूसुफ लोगों को छोड़ने जाते हैं ग्राउंड नजर आता है ना, उस ग्राउंड में आपको ब्रेक हुआ करेगी। अच्छा देखो जी बाहर ही बाहर है हर तरफ। चल चलो 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 जल्दी करो, चलो 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 हरी वो टीचर भी जा रही है, जल्दी करो। हाँ जी हूँ हम ना लेने आएंगे, ठीक है 3:30 तुम्हें लेने के लिए, आप आगे चलो ना मैं आपको बताती हूँ, जल्दी चलो गेट आने वाला है। चलें जी सही है ठीक है, वापसी फिर बताते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने, अभी हम इंटर हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मैं कैमरा जो है ना कैटो। चलो जी पहले हम जाएंगे ऑफिस, फिर ऑफिस से टीचर के साथ जाएंगे क्लास में, जल्दी चलो जल्दी। ओके थोड़ी देर के लिए ब्रेक। चलो जी ईमान तो सी छोड़ा है लेकिन बहुत रोई है, जा ही नहीं रही सी। फिर टीचर ने कहा कि मैं ना तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलाती हूँ, जारी बता इंग्लिश तो थोड़ा मसला है ना इस वजह से। चलो जी लॉक नहीं सी सानू मिल रहा है, कितों खुलना है दरवाज़ा, अंदर है तो लॉक उधर फिक्स किए, स्कूटी आएगी ऑफिस के सामने तो हूँ लै कि टीचर कह रही हूँ तो सीए लॉक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कार्ड नाल ओपन किया सी है डोर, टाइमिंग तो ऊपर हो गई सी ना। फिर बाकी टीचर ने सारा कुछ दस्या कि 8 बजे तुम लैन आना है, 8 बजे छोड़ना है, ऐसे सू इंट्रोड्यूस करवाया सी इस वजह तो सू 10 बजे बुलाया। सो चलो अल्लाह करे मेरी बेटी का दिन अच्छा गुजर जाए, और बस ज़्यादा इस वजह तो उसमें मसला हो रहा है लैंग्वेज का, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, लेकिन सेट हो जाएगा, थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंड कर लेंदी है, बोलन च डिफिकल्टी नहीं, इंशाल्लाह वही ख़त्म हो जाएगी आस्ता आस्ता। है जी ग्राउंड एरिया <coughs>
आस पास स्कूटी कलेक्ट करने जा रहे हैं। साढ़े इतने मेन रोड है जरा इस एरिया लगता है ते बाकी चलो जी दुआ करना अल्लाह पाक मेरे बच्चों को कामयाब करे नेक और लायक बनाए अल्लाह पाक सब दे बच्चों को नेक और लायक बनाए आमीन सुमा आमीन। ओ माय मदर टीचर आ रही है सामने चलो जी ठीक है ओके मेरी तरफ सब में अल्लाह हाफिज़ इस चैनल में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जो कि वॉच करें शेयर करें सब्सक्राइब ज़रूर करें ओके जी अल्लाह हाफिज़।